हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रेवल विद एवी में। आज हम आए हैं दिलवालों के शहर दिल्ली में, जहां पर रिसेंटली ओपन हुआ एक अनोखा और खास पार्क, जो कि बैम्बू यानी कि बांस की थीम पर बेस्ड दिल्ली एनसीआर का इकलौता पार्क है, जिसका नाम है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन यानी कि यहाँ के हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ का ट्यूलिप गार्डन, क्रेसेंट शेप मून, म्यूजिकल फाउंटेन शो और साथ ही साथ बैम्बू यानी बांस की हजारों प्रजातियां। आइए घूमते हैं बांसेरा पार्क। ये पार्क दिल्ली के सराय काले खां में लोकेटेड है। यहाँ आने के लिए आप हसरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 का प्रयोग कर सकते हैं या खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं। ये पार्क का मुख्य गेट है। यहाँ से अंदर आकर लेफ्ट साइड में आप पार्किंग कर सकते हैं, जो कि निशुल्क है। पार्किंग के साथ ही टिकट बूथ है, जहाँ से टिकट लेकर आप पार्क में एंट्री कर सकते हैं। टिकट का प्राइस 50 रुपए पर एडल्ट है और 10 साल तक के बच्चों के लिए और स्कूल के बच्चों के लिए ये फीस फ्री है। पार्क में एंट्री करते ही आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी पसंद की जगह में जा सकते हैं। पार्क में एंट्री करते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमें एक आर्टिफिशियल झील देखने को मिलती है, जहाँ शाम को एक म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है, जो इस पार्क के मुख्य अट्रैक्शन में से एक है। ये ब्यूटीफुल पॉन्ड फोटोशूट और रिलैक्सेशन के लिए काफी अट्रैक्टिव है। इस आर्टिफिशियल पॉन्ड के आसपास कुछ पेड़ हैं, जिनमें बच्चों के लिए स्विंग झूले लगाए गए हैं। पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में लगातार सुंदर पार्क बनाए जा रहे हैं या पुराने पार्कों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिसमें सीपी के सेंट्रल पार्क, काले खां के डायनासोर पार्क, आईटीओ के असीता पार्क के बाद अब ये बांसेरा पार्क को ओपन किया गया है। बांसेरा पार्क का मेन अट्रैक्शन ये टुलिप गार्डन है, बट हमारी बदकिस्मती से अभी टुलिप सीजन नहीं है, इस कारण ये पेड़ मुरझाए हुए हैं और यहाँ कोई फूल नहीं है। अगर आप टुलिप के फूल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिसंबर से फरवरी के बीच में आना चाहिए, क्योंकि वो टुलिप सीजन होता है और उस समय टुलिप्स के फूल बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा। यहाँ पर 15 प्रजातियों के 25,000 से अधिक बांस के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर असम से आए हैं। यहाँ का एक मुख्य अट्रैक्शन ये क्रेसेंट मून भी है, जहाँ लोग फोटोशूट करते हैं। ये रात के समय लाइटनिंग से चमचमाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप एक नेचर लवर हैं, तो ये पार्क विजिट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी अपनी दिल्ली में कुछ नया खुला है तो वहाँ विजिट करना तो बनता है दोस्तों। ये पूरा एरिया यमुना फ्लड प्लेन्स में आता है, जो वेटलैंड है। इसे 2021 में भी एक पार्क के रूप में खोला गया था, पर यमुना में आई बाढ़ के कारण ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया था और अब इसे रीऑल्टर करके दोबारा डेवलप किया गया और इस खूबसूरत बांसेरा पार्क के रूप में ओपन किया गया। इस पार्क में कई स्टैचूज हैं, जिसमें ये एलिफेंट फैमिली की स्टैचू बहुत प्यारी है। ये पार्क दिल्ली की सुंदर नर्सरी की तरह ही एक उभरते हुए फैमिली पिकनिक स्पॉट की तरह नजर आ रहा है। ये इस पार्क का सनसेट पॉइंट है, जहां से आप सनसेट का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इस पार्क में सनसेट का नज़ारा काफ़ी सुंदर होता है। ये सनसेट का टाइम पार्क घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि सनसेट होते ही थोड़ी देर में म्यूजिकल फाउंटेन शो भी स्टार्ट हो जाता है।
इस पार्क में एक बेहद खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम कैफे बैम्बू ओएसिस है। अभी ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है और जल्द ही ओपन होने वाला है। इस पार्क में वॉशरूम की सुविधा भी है और यहाँ दो वॉशरूम मौजूद है, एक जो बिल्कुल पार्किंग के ही साथ में है और दूसरा जो इस रेस्टोरेंट के बैक साइड पे है। इस पार्क में बैम्बू की फेंसिंग की गई है जिसके साथ साथ चलते हुए आपको अनेक प्रकार के फ्लावर और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये फेंसिंग काफी लंबी है और यहाँ पर आप आराम से वॉकिंग एंड जॉगिंग कर सकते हैं। ये बांसेरा का फ्लोरल टेरेस है जहाँ पर सीजनल फ्लावर्स को लगाया गया है और अपने पीक सीजन में ये फूलों के एक समुद्र की तरह लगता है। इसके बीचों बीच एक सिटिंग एरिया बनाया गया है जहां पर ऐसा लगता है कि आप फूलों के एक समुद्र के बीच में बैठे हैं। इस पार्क में फ्लावरिंग प्लांट्स की अनेक स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो बहुत सुंदर हैं। राइट नाउ ये पार्क इतना क्राउडेड नहीं है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, पर अब धीरे धीरे ये काफी पॉपुलर हो रहा है और दिल्ली में नए पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। ये पार्क पूरी तरह से सोलर एनर्जी बेस्ड है और सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करता है। मेरे पीछे इस समय आप देख रहे हैं एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जहां पर शाम को 6:30 और 7:30 बजे आधे आधे घंटे के म्यूजिकल फाउंटेन शो होते हैं। बांसेरा पार्क का एक मेन अट्रैक्शन यहां का म्यूजिकल फाउंटेन शो है। म्यूजिकल फाउंटेन शो एक 30 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है जिसमें कि हम देशभक्ति के गीतों पर वाटर फाउंटेन को थिरकते हुए देख सकते हैं। बांसेरा पार्क में सबसे ज्यादा भीड़ इसी टाइम पे होती है क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर इसी म्यूजिकल फाउंटेन शो को देखने आते हैं और वैसे भी ये शाम का समय होता है तो मौसम भी काफी सुहाना होता है। बांसेरा पार्क पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और यहाँ बनाई गई हर चीज नेचर और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। रात के समय बांसेरा पार्क पूरी तरह से लाइट से जगमगाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। जल्द ही हम एक नए वीडियो और एक नई सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमें लाइक एंड शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।